आपण पुन्हा एकदा जाऊयात गेस सेंटरला आणि तिथे इंडिया आघाडीच्या नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर सुरू झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आपण संवाद साधूया ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांच्याशी। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको मराठी में सवाल पूछूंगा क्योंकि आप महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, आप हिंदी में जवाब दे रही है। प्रियंका जी, महाराष्ट्राच्या निकालानंतर इंडिया आघाडीत हालचालींना खूप वेग आल्याचं चित्र आहे आणि नेतृत्व बदलाची चर्चा सुरू झाली आहे। खंबीर चेहरा म्हणून तुमची पहिली पसंती ही कोणाला असेल आणि त्यामागचं नेमकं कारण काय? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आए उसके बाद महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर, जब पहले दिन हमने बॉयकॉट किया था ओथ टेकिंग सेरेमनी का, सबने मिलकर किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी मिलकर हुई थी, तो हम लोग एक साथ मिलकर जो कमियां रही, जो हमारी आगे वाली रणनीति होगी, जो लड़ाई होगी, वो हम लड़ते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद पूरे महाराष्ट्र में जनता के बीच में कोई उत्साह का माहौल नहीं दिख रहा है, और हम मांग कर रहे हैं जिस तरीके से वोट शेयर इतना बढ़ा, इतना वोटर टर्नआउट जंप किया, उसकी जानकारी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हमें दें और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हमें दें। अब तक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कुछ ट्वीट कर रहे हैं, ना ही उनका सिग्नेचर है उसमें, ना ही किसी तरीके का जवाब है जो सवाल हम पूछ रहे हैं। हम ये तीनों चीज़ें एक साथ लड़ रहे हैं क्योंकि उसी के बाद इमीडिएटली पार्लियामेंट्री सेशन हुआ है, तो पार्लियामेंट्री सेशन में हम सारे रीजनल पार्टीज मिलकर हम लोग एक अम्ब्रेला में आए थे जो इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन देश के संविधान और देश के प्रजातंत्र के बचाव के लिए आया है, तो वहाँ पर अगर कहीं कमी दिख रही है, जब भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी उस पर एक निर्णायक कदम उठाया जाएगा। पर वहीं पर ममता जी ने अपना कहा है कि वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो वो खुद एक सक्षम नेता हैं जिन्होंने 3 टर्म्स जीते हुए हैं। हाल ही के बायपोल्स में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी फेक एजेंडा और फेक न्यूज़ वेस्ट बंगाल में चला है उसको हार ही खाने का मौका मिला है, उसको बढ़ावा नहीं दिया है। तो एक सक्षम नेता हैं, काफ़ी सालों की उनकी लड़ाई रही है, एक्सपीरियंस रहा है, तो अगर वो उसमें भागीदारी लेने की बात करते हैं या जिम्मेदारी लेने की बात करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। प्रियंका जी, अशी थेटच मागणी होते कि इंडिया आघाडीचं नेतृत्व हे ममता बॅनर्जींनीच करावं, आणि त्याविषयी तुमची भूमिका काय? वही मैंने अपनी शुरुआती स्टेटमेंट में कहा कि जहाँ सपा हो या TMC का नेतृत्व हो या बाकी सारे पक्ष हो, हम भी मानते हैं और मैं मानती हूँ, कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि उनकी जो काम है, उनकी जो लीडरशिप है, उस पर कोई चैलेंज नहीं करा है, पर ये निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। ये निर्णय उन्होंने एक बात रखी है, बात वो चर्चा का विषय हुआ है, वो जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी उसमें ये निर्णायक कदम जो भी होगा वो लिया जाएगा। पहले तो वो डिस्कशन के लिए आए, पर मैं आपको एक चीज कह देती हूँ कि आज तो एटलीस्ट इंडिया गठबंधन में खुलकर ये चर्चा हो रही है जी। क्या NDA में कोई ये कोशिश कर सकता है? चंद्रबाबू नायडू जी खुद सक्षम है, नीतीश कुमार जी खुद सक्षम है, क्या वो ये कह सकते हैं कि मोदी जी को साइड में रखिए, हम वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? जैसे ही वो बात आएगी ना, उनके पीछे ED, IT, CBI आ जाएगा। तो जो सही मायने में प्रजातंत्र हो, सही मायने में डिस्कशन, डिबेट, डिसीजन हो, वो हमारी पार्टी और हमारे सारे पक्ष, घटक पक्ष, उसका धर्म निभा रहे हैं। तुमचे सगळे मुद्दे जरी मान्य केले ना आपण प्रियंका जी, तरी ममता बॅनर्जींना नेतृत्व म्हणजे इंडिया आघाडीचं जे नेतृत्व काँग्रेसकडे आहे त्याच्यावरती प्रश्नचिन्ह उभं करण्यासारखं आहे, आणि त्यामुळं इंडिया आघाडीत संघर्ष होईल असं आपल्याला वाटत नाही का? नहीं, कोई अनबन नहीं है, हम सब एकजुट हैं, एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट में भी जो प्रोटेस्ट होते हैं वो हम लोग सब एक साथ मिलकर ही कर रहे हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर भी अच्छे कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं, अच्छे माहौल में कर रहे हैं। चर्चा का विषय बस ये है कि क्या ये जिम्मेदारी चेंज होनी चाहिए। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि कोई पक्ष से निकले, जिम्मेदारी का मतलब है कि कौन आगे आकर बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा पूरे पक्ष, सारे इंडिया अलायंस के गठबंधन को साथ आगे बढ़ाकर, और जो भी हमारा रणनीति है उसको एक नई रूपरेखा देकर। उसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कोई विरोध है या कोई असमंजस है या कोई इनडेसिसिवनेस है, वो सब चर्चा का विषय बनेगा जैसे ही इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग होगी ये चुनाव नतीजों के बाद।
तुम्ही जी ही मागणी करताय की ममता बॅनर्जी किंवा दुसरं कोणीतरी नेतृत्व करावं, ही जेव्हा मागणी वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या मित्रपक्षांकडून होते तेव्हा एक गोष्ट स्पष्टपणे पुढे येते की काँग्रेसकडनं जी प्रतिक्रिया येत आहेत त्यानुसार काँग्रेस इंडिया आघाडीचं नेतृत्व सोडायला तयार नाही आहे. अशावेळी तुमच्याकडे काय पर्याय आहे? नहीं, अगर मैं मानती हूँ कि अगर वहाँ से जो भी बातें आ रही है, अगेन हम लोग सिर्फ बात ऐसे कर रहे हैं क्योंकि मीडिया हमसे पूछे. कोई मीडिया ये नहीं पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में 23 तारीख को चुनावी नतीजे आए, चाहे उस चुनावी नतीजे को लोग भी चैलेंज कर रहे हैं, गांवों में उसका विरोध हो रहा है, उस सब चीज़ को दरकिनार करते हुए 10-12 दिन लगे पहले मुख्यमंत्री शपथ लेने को. आज हम बैठे हुए हैं, आज तारीख है 10 दिसंबर, और आज तक कैबिनेट फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है. कोई ये नहीं पूछ रहा है कि क्या वो वहाँ झूठी गठबंधन में असमंजस बना हुआ है, क्या आने वाले समय में क्या ऑप्शंस रह जाएंगे. सवाल ठीक है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, हम निभा रहे हैं, पर हमारे यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हैं सब कुछ एक खुले दिल से, एक फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट में, एक डेमोक्रेटिक तरीके से इस पर संवाद किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा और उस पर निष्कर्ष निकाला जाएगा और निर्णय लिया जाएगा. पण मला एक सांगा, हे सगळं तुम्ही सांगताय हे खरं आहे, पण मानलं आपण एका बाजूला, तरी उद्धव ठाकरेंची जी शिवसेना आहे ती या क्षणी काँग्रेससोबत आहे की तृणमूल काँग्रेसचं म्हणजे ममता बॅनर्जीचं नेतृत्व हे तुम्हाला मान्य आहे? आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही सकाळी जी रिॲक्शन किंवा प्रतिक्रिया दिली आहे त्यानंतर काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलंय की तुमच्या मताला पक्षात काय किंमत आहे? मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने कहा है, और वैसे मेरी बात जो है, क्योंकि मैं भी पार्टी की प्रवक्ता हूँ, पार्टी की बात रखती हूँ, तो पार्टी का जो बात थी, मैंने सवाल उनसे पूछा गया था, मैंने उसको रखा है. और अगर आप संजय राव जी की भी बात सुनेंगे, वो उसी लाइन में बोल रहे हैं कि वो सक्षम नेता हैं. हमने बार बार यही कह रहे हैं कि जो सक्षमता के विषय है वो लीडरशिप जो मिलकर बैठ कर निर्णय लेगी वो होगी. पर क्या ये दरकिनार किया जा सकता है कि वो सक्षम है या नहीं, कि दरकिनार किया जा सकता है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है या नहीं? हम तो बस ये कह रहे हैं कि वो भी एक सीनियर लीडर है. जैसे आज समाजवादी पार्टी भी कहता है, हमें तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे सारे जो नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टीज को लीड कर रहे हैं वो सक्षम है देश का नेतृत्व करने को. वहाँ पर NDA पे प्रश्न चिन्ह होता है कि कोई अगर चंद्रबाबू नायडू जी हों या नीतीश कुमार जी हों, अगर ये सक्षमता अपनी बताने लग जाए या सर्टिफिकेट देने लग जाए, सबसे पहले उन्हीं का विरोध किया जाएगा. प्रियंका जी, पुढचा प्रश्न वेगळा आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या खासदार म्हणून नाही पण एक राजकीय निरीक्षक म्हणून तुम्ही मला त्याचं उत्तर द्या. ज्या पद्धतीने आता राजकारण सुरू आहे, सत्ताधारी देखील काँग्रेसच्या विरोधात त्यांनी बोलतायत, ते काँग्रेसला लक्ष्य करतायत, पण त्याचवेळी जे इंडिया आघाडीतले मित्रपक्ष आहेत त्यांचाही काँग्रेस विरोधी सूर आहे. अशा वेळी काँग्रेस राष्ट्रीय राजकारणात एकटी पडली असं वाटतं तुम्हाला? ना कोई कॉर्नर हो रही है, ना कोई कॉर्नर कर रहा है. भारतीय जनता पार्टी जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर चर्चा से ध्यान भटकाने को वो इसमें अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है. कोई बीजेपी से जाकर पूछे ना कि अगर ये जिम्मेदारी चंद्रबाबू नायडू को देगी क्या उनको एक्सेप्टेबल है. कोई उनसे पूछे ना कि अगर एकनाथ शिंदे कहेंगे कि वो जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं, वो कह देंगे कि हाँ NDA की बागडोरा संभालिए. हिम्मत ही नहीं है किसी में. और हम बात कर रहे हैं सक्षमता की. हम सक्षम हैं इसलिए हम ये बात खुले मंच पर कर सकते हैं. और बार बार यही कहूँगी, कोई साइडलाइन नहीं हो रहा है, कोई कॉर्नर नहीं हो रहा है, कोई दबाव नहीं हो रहा है. एक अच्छे संवाद हो रहा है और संवाद का निष्कर्ष जो निकलेगा वो जनता के सामने आएगा. प्रियंका जी, ममता बॅनर्जी ने पश्चिम बंगाल मधली जी विधानसभेची निवडणूक होती ती स्वबळावर लढवली होती त्या इंडिया आघाडीत असताना. दिल्लीत आता केजरीवालांनी स्वबळाची घोषणा केली आहे, पण तुम्ही इंडिया आघाडीत आणि महाविकास आघाडीत सगळ्यांसोबत आहात. मुंबई महापालिकेची निवडणूक तुम्ही स्वबळावर लढवण्याची शक्यता आहे का? देखिए, मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दिल्ली में दी हुई है पार्लियामेंट में, वो मैं भलीभांति निभा रही हूँ. जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने जल्द से जल्द आपको बता दिया जाएगा. पर यहाँ तक जहाँ तक हमारा, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अभी जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, सेशन, एक स्पेशल सेशन हुआ था असेंबली का, उसमें हमने बाकायदा कहा था हम लोग तीनों मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और तीनों उन्हीं मुद्दों पर लड़ रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी से जुड़े हुए मुद्दे हैं,
जो ईवीएम के छेड़छाड़ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम तीनों पक्ष एक साथ इसकी आवाज उठा रहे हैं। प्रियंका जी धन्यवाद। इंडिया आघाडीतल्या नेतृत्व बदलाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर विविध मुद्द्यांवर आपण अगदी दिलखुलासपणे बातचीत केली, त्याबद्दल आपले आभार। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।